स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी हिमाचल प्रदेश में नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट पर होने वाली भर्तियों की। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और साथ में आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बात करते हैं यहाँ पर आज की जॉब नोटिफिकेशन की। इससे पहले अगर आप JOIT, LT, TGT, JVT, TET, क्लर्क, पुलिस कांस्टेबल, जेई, नर्स, SI, HPAS और नायब तहसीलदार की तैयारियां कर रहे हैं तो आप इसके लिए 2000 प्लस HP एंड इंडियन GK MCQ ई-बुक को बाय कर सकते हैं जस्ट ₹79। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बात करते हैं आज के जॉब नोटिफिकेशन की। टोटल 58 वेकेंट पद भरे जाने वाले हैं क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में। बात करें पहली पोस्ट की तो पहली पोस्ट रहने वाली है प्योर क्लास 4 की। इसके 14 वेकेंट पद भरे जाने वाले हैं। जनरल अनरिजर्व के लिए 6 पोस्ट रहेगी, जनरल इकोनॉमिक के लिए वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट रहेगी, जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट, जनरल पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 1 पोस्ट, SC अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट, SC एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट रहेगी और OBC अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट यहां पर रहने वाली है। इसके लिए आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। सेकेंड पोस्ट रहेगी माली क्लास 4 की, इसका 1 पद भरा जाएगा और यह अनरिजर्व रहने वाला है। और माली की पोस्ट के लिए भी आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। इन दोनों ही पोस्ट के लिए आपको पर डे के हिसाब से वेतनमान दिया जाने वाला है, क्योंकि इन दोनों ही पोस्ट को रिक्रूट किया जा रहा है डेली वेजेस बेसिस पर। बात करते हैं थर्ड पोस्ट की। थर्ड पोस्ट रहने वाली है जूनियर टेक्नीशियंस की, इसके 8 पद भरे जाने वाले हैं। जनरल अनरिजर्व के लिए 5 पोस्ट रहेगी, जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट रहेगी, SC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट और OBC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट यहां पर रिजर्व रहने वाली है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस लाइक एस BSc या BTech या BE या VPharma। नेक्स्ट पोस्ट ड्राइवर की है, इसके 2 पद भरे जाने वाले हैं, दोनों ही पद अनरिजर्व रहने वाले हैं। अगर बात करें इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की तो आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है, चाहे हैवी का हो चाहे लाइट का हो। नेक्स्ट पोस्ट रहेगी लाइब्रेरी अटेंडेंट की, इसका 1 पद भरा जाएगा और यह अनरिजर्व रहने वाली है। इसके लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। नेक्स्ट पोस्ट रहेगी स्टेनोटाइपिस्ट की, इसके 3 पद भरे जाएंगे, तीनों ही पद अनरिजर्व रहने वाले हैं। इसके लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और इसके अलावा आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। अगर बात करें यहां पर अगले पद की तो अगला पद रहेगा जूनियर फोटोग्राफर का, इसका 1 पद भरा जाएगा और यह अनरिजर्व रहने वाला है। इसके लिए आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास फोटोग्राफी का डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 2 साल का आपके पास फोटोग्राफी का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहां पर रहने वाली है सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर की, इसका 1 पद भरा जाएगा और यह अनरिजर्व रहने वाला है। इसके लिए आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड और टाइपिंग स्पीड इन कंप्यूटर दोनों ही पर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगली पोस्ट यहां पर रहने वाली है सीनियर असिस्टेंट, ऑन रेगुलर बेसिस पर यह फिलअप होने वाली है, इसके 11 पद भरे जाएंगे। जनरल अनरिजर्व के लिए 5 पोस्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट, SC अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट, OBC अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट, जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट और पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट यहां पर रहने वाली है। इसके लिए आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और इसके अलावा आपके पास 7 साल का रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ क्लर्क असिस्टेंट JOA। अगली पोस्ट रहेगी सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 2, इसके 6 पद भरे जाएंगे। जनरल के लिए 4 पोस्ट रहेगी, SC के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट और इसके लिए अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए और कम से कम 6 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए एज अ पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इन सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। बात करते हैं अब यहां पर अगली पोस्ट की। अगली पोस्ट रहेगी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की, इसका 1 पद भरा जाएगा और इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। और अगर बात करें यहां पर अनुभव की तो आपके पास 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। अगला पद यहां पर रहने वाला है प्रोग्रामर का, इसका 1 पद भरा जाएगा और यह अनरिजर्व रहने वाला है। इसके लिए आप MCA या BE
बीटेक डिग्री होल्डर होने चाहिए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और ये पोस्ट रेगुलर बेसिस पर फिलअप होने वाली है। अगली पोस्ट सेक्शन ऑफिसर, इसके 3 पद भरे जाएंगे, तीनों ही पद यहाँ पर अनरिजर्व रहेंगे। इसके लिए आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 2 का। अगली पोस्ट यहाँ पर रहेगी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, इसके 2 पद भरे जाएंगे, दोनों ही पद अनरिजर्व रहने वाले हैं। आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ, और इसके अलावा आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए एज अ सेक्शन ऑफिसर, और 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 2 का। अगली पोस्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, इसके 2 पद भरे जाएंगे, आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए 55% अंकों के साथ, और आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, और 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए सेक्शन ऑफिसर का। अगर बात करें यहाँ पर एज लिमिट की, तो आपकी एज 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और यह एज लिमिट सिर्फ उन्हीं पोस्ट के लिए है जहाँ पर आपसे अनुभव नहीं मांगा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस के मामले में क्लस्टर यूनिवर्सिटी HPU से पीछे नहीं है, बल्कि यह HPU से भी एक कदम आगे है। इन्होंने एप्लीकेशन फीस के मामले में बहुत ज़्यादा गंदगी मचा के रखी है। मैं ये कहूँ कि जो ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी सैलरी भी एप्लीकेशन फीस से ही देने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास 1 फॉर जनरल कैटेगरी। यहाँ पर आपको देने होंगे 2000 रुपये, अगर बात करें ग्रुप बी में तो आपको देने होंगे 1800 रुपये, और अगर आपको अप्लाई करना है प्यून माली की पोस्ट के लिए तो आपको देने होंगे 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में। अगर आप आते हो SC ST OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो आपको देने होंगे 1000 रुपये फॉर क्लास 1, फॉर क्लास 2 900 रुपये, फॉर क्लास C एंड D 600 रुपये। इसके अलावा अगर आप हो एक्स सर्विसमैन या आप हो फीमेल कैंडिडेट तो यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। तो प्रिंट आउट को निकलवाने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके वो सारी हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी SP 175001 इस एड्रेस पर 30 जनवरी 2022 से पहले पहले आपको यह सेंड कर देनी होगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 24 जनवरी 2022, और इसके लिए नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का लिंक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।